चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा की। जी हाँ, केदारनाथ यात्रा की हेली सेवा, जहां 20 जून तक हेली सेवा फुल हो चुकी है। पहली बार सितंबर अक्टूबर के लिए भी तमाम जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बुकिंग कर ली है। तो देखिए, केदारनाथ यात्रा 2023 की बात कर ली जाए तो पिछले साल सारे रिकॉर्ड टूट गए थे और सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु थे वो केदारनाथ ही पहुंचे थे और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया था। और इसी के तहत अगर इस साल 2024 में देखा जाए तो इस बार भी जो क्रेज़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ 20 जून तक जो हेली सेवाएँ वो भी फुल हो चुकी है और हमने देखा कि किस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, लाखों की संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे थे और पहली बार सितंबर अक्टूबर तक की भी बुकिंग यात्रियों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा कराई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, केदारनाथ यात्रा और हेली सेवा में 20 जून तक के जो हेली सेवा फुल हो चुकी है, इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जो तमाम भक्तगण हैं वो अपने भगवान के लिए, उनके दर्शन के लिए कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, केदारनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध है और ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि तमाम श्रद्धालुओं का उत्साह इस बात से समझा जा सकता है, भगवान के प्रति आस्था को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो हवाई सेवा की व्यवस्था है उत्तराखंड में, अलग अलग जो हेलीपैड हैं वहां से केदारनाथ तक के लिए जो अलग अलग कंपनियों के सहयोग से हवाई सेवाएं तैयार की गई हैं, निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं वो पहले से इंतजार कर रहे थे इस बात का कि जैसे ही हेली सेवा की बुकिंग जो है वो खोली जाएगी, महज कुछ घंटों में ही जो स्लॉट थे वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, बुकिंग फुल हो चुकी है। और अब जो विभाग है, नागरिक उड्डयन विभाग यूपाड़ा, वो निश्चित तौर पर ये देख रहा है कि मानसून सीजन के अलावा आगे का जो समय सितंबर माह में उसकी भी बुकिंग शुरू कर दी जाए, तो अब लोग सितंबर माह की भी बुकिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भक्तों का, जो श्रद्धालुओं का बाबा के प्रति जो आस्था है, जो उत्साह है दर्शन करने का, वो निश्चित तौर पर उसको समझा जा सकता है। एक रोज पहले हमने अपने तमाम दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाए थे कि जो चारधाम यात्रा में खास तौर पर केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए जो पंजीकरण की स्थिति है वो किस तरह से तेज रफ्तार से आगे बढ़ी है। और आज हम ये अपडेट अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं कि जो हेली के माध्यम से बाबा के दर्शन करना चाहते हैं श्रद्धालु, उसमें कितना उत्साह है। और एक नहीं बल्कि अलग अलग प्रांतों के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने ये अपनी बुकिंग कराई है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के जो श्रद्धालु उन्होंने बुकिंग कराया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु और इसी तरह अलग अलग राज्यों के जो श्रद्धालु हैं और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो विदेशों से यहाँ पहुंचना चाहते हैं, कुछ उन्होंने भी हेली सेवा की अपनी बुकिंग कराई है। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह का उत्साह, किस तरह की आस्था जो है वो श्रद्धालुओं में है। जिस लिहाज से बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आस्था का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी तमाम ऐसे श्रद्धालु है जो कि अब केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बात कर ली जाए, ये तमाम जो बुकिंग की जाती है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो विदेशी यात्री या श्रद्धालु है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए, बुकिंग कराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, केदारनाथ यात्रा की हेली सेवा, जहाँ 20 जून तक के जो हेली सेवा है वो फुल हो चुकी है और हमने देखा कि किस प्रकार से लाखों की संख्या में तमाम जो श्रद्धालु है वो रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम के साथ में तैयारी भी कर रहा है।